आपका स्वागत है। अभी मेरे पीछे देख रहे हैं आप महाराष्ट्र से आए हुए हैं और महाराष्ट्र के केसरी भी आए हुए हैं सिकंदर मयूर अभिषेक करेंगे। हम यहाँ बड़े गाँव में जो आज जन्मदिन प्रोग्राम रखा गया था कुश्ती स्पर्धा रखी गई थी, सर ने बहुत अच्छी मालूम दी और नौजवान से भी कहा है कि नशा मुक्त होना चाहिए और पहलवानी की तरफ आना चाहिए और ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़ में ब्रांच। तो कैसे दिमाग में आया सर और क्या कहेंगे सर? स्पर्धा स्पेशली देखा जाए तो ये अंग मेहनत कामगार और जिसको गरीब की शटक है ऐसा ही पहलवान बन सकता है। पहलवान बोले तो एक अमीर घर का पहलवान कभी नहीं बन सकता। जिसको गरीबी की शटक है जो कामगार क्षेत्र में हम देखते हैं कामगार क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे टाइम में नौजवान ऐसे रहते हैं भैया एक मिनट भैया तो भैया देर बनने की पूरी क्वालिटी रहते टाइम भी वो प्लेयर सिर्फ उसके डाइट या उसके फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से वो प्लेयर नहीं बन सकते। सर इसलिए ये कामगार चषक हमने आयोजित किया। सर आपने जो कामगार चषक स्पर्धा रखी है तो कहाँ कहाँ से पहलवान आए हुए हैं? ये पूरे मराठवाड़े से पहलवान और आपको दो अतिथि आए हैं शहर में, जो एक अतिथि बैठे हुए मेरे राइट साइड में उनको पूरे इंडिया में जानते हैं। शहर यहाँ के शहर में सबसे पहली बार महाराष्ट्र केसरी बने 2007 में हमारे सबसे जिगरी दोस्त डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रार पाटिल और आज के महाराष्ट्र के सब नौजवान सब जितने पहलवान हैं उनके गायक का साहित म्हणजे सिकंदर दोन्ही पहलवानी का आले आपल्या शहरासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे आणि मुलांनी यांच्याकडून प्रोत्साहन घेऊन परत एकदा आपल्या कुस्तीला जीवन दान द्यावं। सर अभी जो है आपके जन्मदिन के ऊपर कुश्ती इस्तेमाल रखा गया है तो आने वाले साल में क्या आप लोगों की यहाँ के पहलवानों की ख्वाहिश है क्या सिकंदर साहब ने यहाँ लड़ना चाहिए? सिकंदर पहलवान कामगार चषक पहले वर्ष ये कामगार चषक अपन अजून मोठ्या व्याप्त स्वरूपात घेऊन जाऊ जेणेकरून आपल्या शहरातल्या आपल्या मराठवाड्याच्या मुलांना परत कुस्ती काय खेळ आहे पारंपरिक खेळ राजा महाराजांचा आश्रय असलेला कुस्ती खेळ छत्रपती शाहू महाराजांनी खेळाला जोपासलं पहलवानांना जोपासलं असा खेळ म्हणजे आपल्याला आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे। कुस्ती संघटनेची जेव्हा पहिली परिषद झाली ती औरंगाबादात आणि आपल्या इकडे पहिल्यांदा ज्यावेळेस महाराष्ट्र केसरी भरली त्यावेळेस महाराष्ट्र ते आपल्या इथे उपस्थित त्यांचं नाव चंद्रहार पाटील आणि त्यांचं नाव म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्राला नाव रखी गई है और आप मेहमान खुशी तौर पर क्या कहेंगे? आज हमारे थोड़ा जोर से बोलो। खुशी की बात है ये कि संभाजीनगर शहर में मैं महाराष्ट्र मिस्त्री बना 2007 में औरंगाबाद शहर में और कुश्ती का थोड़ा जो सतारा कोल्हापुर पुणे हो नगर हो जहाँ पर कुश्ती का ज़्यादा प्रसार है उस हिसाब से औरंगाबाद शहर में संभाजीनगर शहर में मुकाबले थोड़ा कम है ज़्यादा प्रसार होना चाहिए। भैया ओ भैया थोड़ा आवाज़ कम करो। संभाजीनगर शहर में ऐसे कुश्ती के टूर्नामेंट होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कुश्ती के टूर्नामेंट होंगे कुश्ती को बढ़ावा मिलेगा। पहलवानी ये नहीं है मैंने उनका आयोजन किया ऐसे संभाजीनगर शहर में हर जगह कुश्ती टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए। प्रोत्साहन मिलेगा आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे। सर आपने कहा कि शहर में ऐसे कुछ की स्पर्धा होनी चाहिए नौजवानों को क्या आह्वान करेंगे और आपका नाम? ज़्यादा से ज़्यादा पहलवान जो है मैं पहलवानों को आह्वान करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत पर ध्यान रखें अपने ग्रुप के ऊपर विश्वास रखें और जो अभी नई चीज़ें आ रही है जो उसका बुरा असर हो रहा है सप्लीमेंट ये जो पूरी आई हुई है इससे दूर रहे और अपने पुराने तरीके से पहलवानी करें इससे आपको फायदा होगा। आपका नाम बोलिए। आपका नाम बोलिए। चंद्रार पाटिल सांगली और महाराष्ट्र केसरी का खिताब जीत चुके हैं क्या कहेंगे औरंगाबाद में कैसा महसूस करें? सबसे पहले तो चैतन्य भैया को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक।
और इस कुश्ती स्पर्धा का नियोजन करके इन्होंने औरंगाबाद इसमें जिले में सारे इसमें एक कुश्ती को प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि इस साइड में सारा बहुत ज़्यादा कुश्ती का शौक कम होते जा रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा था पर अभी थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, तो इस कुश्ती को इन्होंने आगे बढ़ाने का सोचा और कॉम्पिटिशन कुश्ती को आगे बढ़ाने का सोचा, तो इन्होंने जो डिविजन किया है और जो औरंगाबाद में आज सर, जो नौजवान आज नशे की तरफ जा रहे हैं और कुश्तियों की स्पर्धा कम हो रही है, क्या कहेंगे सर? जो अभी प्लांट बन रहे हैं, छोटे छोटे प्रोत्साहन कम मिल रहा है, चेतन भैया जैसे अभी प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो कि ऐसे अखाड़े बना रहे हैं, कॉम्पिटिशन बना रहे हैं, ऐसे अभी और भी इधर बढ़ने चाहिए कि छोटे बच्चों को प्रोत्साहन मिले, ना कि वो नशे की तरफ जाए, उनके घर वालों ने भी ज़रा ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं या नशे की तरफ जा रहे हैं, तो पहले तो बात है मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से नशे की तरफ नहीं जाएगा बच्चा, और दूसरी बात बड़ेगा गरीब बच्चों के सर पर हाथ है, ऐसे बड़े हाथ होने चाहिए बच्चों के सर पर, तो नशे की तरफ नहीं जा सकते। थैंक यू।